वो बेस्ट लगता है ना व्रत तो। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और अभी हो रहा है सुबह का 9:30 और आज क्या है, आज है नवरात्रा का पहला दिन। तो चैती नवरात्रा आज से शुरू हो गया है और अभी सुबह सुबह मेरा बिग बास्केट से ढेर ये सारे फ्रूट्स मैंने मंगवाए हैं यहाँ पे। तो आज मैं रखने वाली हूँ फास्ट और फास्ट में मैं फ्रूट्स खाऊंगी और रात को बिना लहसुन प्याज का मैं कुछ बनाऊंगी और वो खाऊंगी। तो अभी मैंने हेयर में ऑयल डाली है क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है आज भी, इसलिए मैंने हेयर में ऑयल डाल लिया है। 2-3 घंटा का गैप हो जाएगा जब तक मैं घर का सारा काम कर लूँगी, उसके बाद हेयर वॉश करूँगी और फिर पूजा की तैयारी। और इधर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाइप और पूरा गमलों में पानी डाला जा चुका है पौधों में सुबह सुबह। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना, ये आप लोग देख सकते हो सारे गमलों में पानी जा चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा रोज खिला हुआ, ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है ना। ये सारे रोज जो है मेरे मुरझा गए थे लेकिन अभी फाइनली एक रोज निकल आया है। क्या है बोलो क्या और इधर गीता बबीता सूटर और एक नई वाली जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो रही। बन रहा है खाना क्योंकि खाना तो बनाना ज़रूरी है, भले ही मैं फास्ट की हूँ लेकिन माही और माही के पापा ने तो फास्ट नहीं ना किया है। तो यहाँ पे चावल, यहाँ पे बैंगन आलू टमाटर की सब्जी, इधर भुंजिया, तो ये सारी चीज़ें बन रही है और दाल बन चुका है इसमें। हाय पापा से बाय 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 पापा बोलती थी। हाँ तुमको सिखाती थी, कहते थे बोलो बाय बाय बाय। सो गाइस तो मैं नहा धोवा के फ्रेश हो गई हूँ और मैंने बहुत ही प्यारा सा एक रेड कलर की साड़ी पहनी है। और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाया था खास करके आज के ही दिन पहनने के लिए, मैंने सोचा था कि कोई पूजा वगैरह होगा उसमें मैं ये साड़ी पहनूंगी। और इसका ब्लाउज जो है ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर है, बनारसी पैटर्न में है ब्लाउज, तो अभी मैंने उसको सिलवाया नहीं है, ब्लाउज मैं बाद में सिलवा लूँगी। और ये जो ब्लाउज मैंने पहना है ये रेडीमेड ब्लाउज है, इसे मैंने एक बार और पहना था। तो साड़ी वगैरह तो मैंने पहन लिया और नहा भी लिया, मैंने शावर भी ले लिया, रेडी भी हो गई पूजा के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पूजा के लिए रेडी हुई वैसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ननद को थोड़ा सा कॉल करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई नया पूजा पाठ वगैरह करती हूँ ना तो मैं अपनी ननद से एक बार ज़रूर पूछती हूँ या फिर अपनी सासू माँ से, अपनी चचेरी सासू माँ से ज़रूर पूछती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ननद को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ। तो मैंने जब वहाँ कॉल लगाया बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ सुनने को मिला। बैड न्यूज़ ये सुनने को मिला कि कोई हमारे घर में डेथ कर गया है, जैसे कि हमारे गोतिया वगैरह होते हैं ना तो उनमें ही कोई डेथ कर गया है। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई और मैंने बहुत सारा पूजा का तैयारी भी कर रखा था। मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फ्रूट्स, अभी मैं जा ही रही थी फ्रूट्स वगैरह निकाले, मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं अपनी ननद से एक बार पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में कोई डेथ कर गया है इसी वजह से हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आज अभी 9-10 दिनों तक मेरे यहाँ पूजा नहीं होगा और ना मैं आरती कर सकती हूँ ना ही भगवान को भोग लगा सकती हूँ, बस दूर से ही हाथ जोड़ के हमें प्रणाम कर लेना है।
और आज के दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि मैंने सोचा मैं फ़र्स्ट बार ये चैती नवरात्रा जो है फर्स्ट बार मैं कर रही थी। मैं पूरे 9 दिनों तक तो पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन पहला और अष्टमी ये दो पूजा मैं 2 दिन ज़रूर मैं पूजा करती हूँ। फास्ट रखती हूँ या फिर सेंधा नमक वाला फास्ट रखती हूँ या फिर फ्रूट्स वाला फास्ट रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरा सारा धरा का धरा रह गया। बहुत ही शौक से मैं तैयार वगैरह हुई थी, रेडी हुई थी और सोची कि तैयार वगैरह होके अच्छे से पूजा वगैरह करूँगी, लेकिन अब नहीं कर सकती। सारा चीज़ ऐसे ही रखा हुआ है। हस्बैंड को भी मैंने तैयार वगैरह करके ड्यूटी भेज दी। और औरतों का तो आप लोगों को पता ही है, एकदम नियम धर्म और अच्छे से पूजा करती है साफ सफाई करके। तो मैं ये कुछ नहीं कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो गई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा दूर के रिलेशन में थी, एजेड थी थोड़ा, जिनका डेथ हुआ है, तो वो मेरी सास लगती रिलेशन में। और जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं उनके मेरे हस्बैंड के दादाजी के भाई, मतलब मेरे चचेरे दादाजी हुए, वो मेरे चचेरे ससुर दादाजी और उनकी बहू डेथ की है, मतलब वो मेरी चाची लगती दूर के रिलेशन में। जैसे मेरे हस्बैंड के दादा और उनके भाई और उनके भाई की बहू, इस तरीके से हुई तो मेरी चाची लगेगी वो। तो खैर कोई बात नहीं, इस तरीके का ही रूल्स होता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई डेथ कर जाता है तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं होता है। भगवान जी बहुत ज़्यादा सोना सोना लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो अभी मैं कितना अच्छा से पूजा वगैरह करती ना, लेकिन नहीं कर सकती। मैं दूर से ही भगवान को प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ। चलो दूर से तो मैंने भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, उनका आशीर्वाद भी ले लिया है, तो पूजा भी नहीं करना है। तो अभी मैं फास्ट भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि जब पूजा ही नहीं तो फास्ट किस बात का। और ये मेरा फर्स्ट बार ही था इसलिए मुझे फास्ट रखने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं देखती हूँ क्या बनाना है खाने में। सो गाइस, तो चलो हमेशा की तरह आ गई हूँ किचन में और अभी मैं माही को खाना दे देती हूँ खाने के लिए, और मैं अपने लिए कुछ अलग से बनाने वाली हूँ, खाऊँगी तो इनका फटाफट से खाना निकालती हूँ। ये देखो दाल रखा मैंने, दाल पूरा जम गया, अभी मुझे इसे गरम करना पड़ेगा। अभी अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक दो रील बना रही थी, क्योंकि जब ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो मन करता है रील्स बनाने के, इसलिए अभी मैंने बिंदी चेंज किया था। तो मेरा इंस्टा आईडी है सिंह मुस्कान 352 से अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो मेरा आईडी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पे बहुत सारे रील्स बनाती रहती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है फ़ोटोज़ डालती हूँ, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा जाके। ये मीशो का है और सिफॉन कपड़े में, इतना हल्का साड़ी, इतना हल्का कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका ब्लाउज़ जो है हैवी बनारसी पैटर्न में है, तो उसका ब्लाउज़ बनाऊँगी ना तो ये साड़ी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। आज तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया, कितना अच्छा से मैंने सोचा था कि एकदम नहा धोवा के अच्छे से तैयार होकर पूजा वगैरह करूँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे मुझे एक पिंपल निकल आया, ये आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है ना। तो माही को सब्जी वगैरह खाना नहीं पसंद है, बस दाल चावल घी या फिर कभी कभार चटनी दे दो या तो अचार दे दो, तो बस ऐसे ही वो खाती। ग्रीन वेजिटेबल तो मैं जब कुछ जैसे सूप वगैरह बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, इन सब चीज़ों में जब मैं ग्रीन वेजिटेबल डालती हूँ उसको पीस के या फिर आटे में, तो माही खा लेती, लेकिन इस तरीके से चावल के साथ नहीं खा सकती है, सिर्फ दाल और चावल उसको खाना, या तो फिर घी चावल दे दो नमक डाल के, इस तरीके से ही उसको खाना पसंद है। बादाम और इसे मैंने पानी में फुला दिया था, कल ही फुलाया था, मैं कल ही खाने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, तो अभी मैं जा रही इसको बॉइल करने और इसका एक मज़ेदार और टेस्टी क्या बनाने वाली हूँ, सैलड बनाने वाली। तो चलिए भी सबसे पहले इसे मूंगफली को बॉइल कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से बॉइल।
और हल्का सा मैं नमक डाल के बॉईल करने वाली हूँ। इसे दो सीटी मैं लगा लेती हूँ, तेज आंच पे ही मैं दो सीटी लगा लूँगी, दो तीन सीटी, उसके बाद मेरा ये बादाम जो है रेडी हो जाएगा। ये रेडी होता है तब तक मैं कुछ सैलेड काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खीरा, प्याज, गाजर इन सबको अच्छे से चॉप्ड कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें जाएगी बादाम के साथ और आज मैं यही खाऊंगी। और प्याज का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें पूजा वगैरह तो करना नहीं है, ना ही फास्ट रखना है। आप फास्ट में इसे यूज कर रहे हो ना तो आप लोग प्याज मत डालना, बाकी यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें ली है वो आप डाल सकते हो। छोटे छोटे पीसेस में खीरे को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। यहाँ पे है नींबू और यहाँ पे सारे सैलेड के चीज़ें कट चुके हैं, खीरा, प्याज और धनिया की पत्ती, गाजर, आप यहाँ पे टमाटर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक छोटू सा टमाटर ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा बादाम जो है पक चुका है। तो चलिए अभी मैं इसका सैलड बनाती हूँ। यहाँ पे है बादाम और ये जितने भी अभी मैंने वेजिटेबल्स कट किए हैं सैलड के लिए, ये सारे जाएंगे इसके अंदर। के बाद जाएगा नमक स्वाद के अनुसार, ब्लैक पेपर, ऐसा चाट मसाला, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, को इसमें गाड़ देंगे। इसमें जाएगा लेमन का जूस, सो गाइस यहाँ पे मेरी यमी यमी सी हेल्दी वाली पीनट बन के रेडी है। तो चलिए अभी मैं खाती हूँ और अपना व्रत तोड़ती हूँ। हाँ, क्योंकि आज मैं व्रत रखने वाली थी, नवरात्रा का मैं रखने वाली थी फास्ट, लेकिन नहीं रख रही हूँ। आप व्रत में ये खा रहे हो तो आप इसमें प्याज बिल्कुल भी मत डालना। तो अभी हमारे यहाँ 9-10 दिनों तक कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा, सो इसलिए मैं इसे खा रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। ये सेफ्स रेसिपी है, सेफ से ही देख के मैंने सीखा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं इसे खाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना ये साड़ी जा रही हूँ खोलने, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो अभी चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं ये खाती हूँ। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अभी मैं ये खाऊंगी और उसके बाद अभी माही का मुझे हेल्प करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माही अपने कॉपी में कवर लगा रही है। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, और बहुत हेल्दी भी है, और बहुत हेल्दी, आप जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा टेस्टी है। इतना हेल्दी है कि आप लोग इसको डाइट पे भी खा सकते हैं, है ना, और डाइट के लिए बेस्ट है। माही ने कवर लगाया है फर्स्ट कवर, इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगाया, अभी मैं लगाऊंगी वो बेस्ट लगने वाला है। गाइस, पहला कॉपी हो चुका है, माही को रेडी करती है तब जाके ये सब करती है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक कवर लगा दिया है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं कवर और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और हैप्पी नवरात्र, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।